मास ऑफ द मून इज 1% ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन मून, यानी कि मून जितना फोर्स अर्थ पे लगा रही है वर्सेस मून टू दैट ऑफ मून ऑन द अर्थ विल बी। मतलब यहां पर क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये है अर्थ, ये कर रही है मून को अट्रैक्ट, यहां पर है मून छोटा सा, ये मून को अट्रैक्ट कर रही है कुछ फोर्स लगा के, और ऐसे ही मून भी अट्रैक्ट कर रहा होगा अर्थ को कुछ फोर्स लगा के, क्योंकि दोनों ही मास पार्टिकल है। दो मास पार्टिकल अगर हम लेते हैं, एक होता है m1 और एक होता है m2, दोनों अगर r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो ये दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और वो अट्रैक्ट होने वाले फोर्सेस कुछ इस तरीके से होंगे कि m2 m1 पे जो फोर्स लगाएगा उसको मैं f12 बोल सकता हूं, और इस f12 की वैल्यू होगी g m1 फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 अपॉन r स्क्वायर। f12 का मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ऐसे ही इस सेकंड पे वन भी कुछ फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन एफ टू वन, और उसकी वैल्यू होगी जी एम टू। किस पे लग रहा है? एम टू पे लग रहा है, एम वन से लग रहा है, डिस्टेंस आर स्क्वायर। अब एक बात आप समझो, अगर मैं थ्री इंटू टू करूं या टू इंटू थ्री करूं, बात तो बराबर ही आएगा, तो सिक्स ही। वैसा ही यहां पर कुछ हो रहा है कि जब मैं एफ वन टू लिखता हूं तो एम वन एम टू आता है, F21 लिखता हूं तो M2 M1 आता है, लेकिन बात तो बराबर है। मतलब ये फोर्स जितना इस पे लगा रहा है इतना ये इस पे फोर्स लगा रहा है। मतलब अगर मैं मैग्नीट्यूड का डिवाइड करूं F12 अपॉन F21 करूं तो इसका आंसर आएगा 1:1, और ये वाला आंसर लिखना ही भूल गया, डी ऑप्शन 1:1 आएगा, ये सही हो जाएगा। एक चीज आप यहाँ पर समझो, आपके दिमाग में चल रहा होगा द मास ऑफ द मून इज 1% ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, फिर ये किस लिए दिया है? ये सिर्फ क्वेश्चन को टफ करने के लिए दिया है, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज डालने के लिए दिया गया है कि अरे अर्थ तो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा इसका मास है, तो अर्थ मून पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगी, वर्सेज मून तो अर्थ पे बहुत कम फोर्स लगा पाएगा। और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी आएगा कि यस अर्थ ज्यादा फोर्स लगा रही है, तभी तो मून रिवॉल्व हो रहा है अर्थ के अराउंड, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ही सेम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मून का मास बहुत कम है इसलिए उसका एक्सेलरेशन आपको दिखता है, क्योंकि a इज इक्वल टू एफ बाय एम है, फोर्स तो कांस्टेंट है लेकिन मास जो है मून का बहुत कम है इसलिए उसका एक्सेलरेशन दिखता है। एक्सेलरेशन दिखता है का मतलब है वो सर्कुलर मोशन में, और सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ये कुछ वैसा ही केस है जैसे अर्थ जितना फोर्स मून पे लगा रही है उतना ही फोर्स अर्थ जितना फोर्स सन पे लगा रही है उतना ही फोर्स सन अर्थ पे लगा रहा है, लेकिन क्योंकि सन का मास बहुत ज्यादा है इसलिए अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। अगर ये लाइन यहां नहीं दी जाती और उसके अलावा यहां पर ये पुल फोर्स के बारे में नहीं बोला जाता ना, तो ये चीज आपके दिमाग में क्लिक कर जाती, क्योंकि जब भी आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा ग्रेविटेशनल लॉ तो उन्हें बताया होगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है और ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। कुछ कुछ याद आ रहा है? एक्शन रिएक्शन का पेयर का मतलब है जितना फोर्स ये इस पे लगा रही है उतना ही फोर्स ये इस पे लगा रहा है, दोनों फोर्सेस बराबर है मैग्नीट्यूड में लेकिन उनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, इसलिए आप ऐसा बोल सकते हो।